हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में काजल की दुनिया। तो गाइस, अभी हो रहा है करीब दिन का टाइम 1 बज रही है और मेरा आज नाश्ता बहुत लेट हो गया और मैं इतना बजे ही करती हूँ नाश्ता वगैरह जो भी होता है। मैं खाना खाने जा रही थी मगर मैंने पहले उसका स्किन केयर कर लिया, तो यहाँ पे मैं हल्का फुल्का स्किन केयर कर लेती हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है तो मैं अपना काम वगैरह करके फ्री हो चुकी हूँ। और मेरा पता नहीं क्यों इतना दिन से ऐसा ही शेड्यूल चल रहा है, मैं काफ़ी लेट हो जाती हूँ। मतलब मैं सोचती हूँ कि जल्दी कर लूँ बट ऐसा होता नहीं है। तो मैं आईना में देख रही थी बट मैंने सोचा कि अरे यहाँ पर भी तो देख के कर सकती हूँ। और कैमरा जो लगा है वो ट्राईपॉड में है और मैं कभी कभी ट्राईपॉड से भी वीडियो बना लेती हूँ, बट मुझे जो वीडियो लगता है ना वो पर्सनली मैं बताऊँ, कोई अगर पकड़ के रखता है या तो मैं खुद बनाती हूँ तभी मुझे लगता है कि मैं वीडियो अच्छा बना रही हूँ। अदरवाइज़ मैं जब ट्राईपॉड वगैरह पे रखती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे मैं अच्छे से क्रीम वगैरह लगा रही हूँ और ये है सनस्क्रीन। जो सनस्क्रीन है वो हाथ में भी लगाना चाहिए बट अभी ठंडी का दिन है तो कपड़ा पहनी रहती हूँ तो ठंडा लगता है इसलिए नहीं लगा पाती हूँ। देन बहुत सारा काम भी था तो आज करके मैं फ्री हुई हूँ। और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो आप लोग चिंता मत करना, आप लोग आराम से देखना, जब आपको फ्री टाइम मिलेगा तब देखना। और जब मैं स्किन कर लेती हूँ ना तो मेरा जो स्किन होता है ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब चेहरा जो है ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो पीछे बैकग्राउंड में टीवी चल रहा है तो वो इग्नोर करना उसे। और यहाँ पे मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ और ये लिपस्टिक जो है ये ना बुलेट लिपस्टिक है, बट मुझे ना बुलेट लिपस्टिक पहले पसंद नहीं होता था क्योंकि जब मैं लगाती थी ना तो बहुत कैसे मैं बताऊँ, बहुत ऐसे लगता था कि क्या है पता नहीं, बट अब मुझे बहुत अच्छा लगता है लगाने में क्योंकि मैट है ये। यहाँ पे मैंने अपना खाना निकाल लिया है और ये खाना जो है ये है हमारा लंच और ब्रेकफास्ट। तो मैं रोज़ ही ऐसा बोलती हूँ तो आप लोग सोचते भी होंगे कि ये औरत सुबह क्यों नहीं खाती है, तो मैं सुबह ज़्यादातर नहीं खाती हूँ। और आप सोच रहे बेड पे तो नीचे बहुत ठंड है, जब तक ठंड है तब तक हम ऊपर ही खाएंगे और मैं इसको लगा के फिर खाती हूँ। काफ़ी दिन से ना मैं कढ़ी बहुत ज़्यादा खा रही हूँ, आप लोगों ने देखा ये दाल नहीं है ये कढ़ी बनाया है मैंने। और कढ़ी मुझे पर्सनली पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा पसंद है और 4-5 दिन से मैं लगातार कढ़ी खा रही हूँ। अगर कोई देख रहा है वीडियो तो ज़रूर सोचेगा कि ये रोज़ कढ़ी कैसे खा लेती है, बट कढ़ी एक ऐसा पर्सनल चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। मैं वैसे कढ़ी रोटी खा लेती हूँ बट आलू का भुजिया खाने का मन था तो मैंने बना लिया। और धूप भी नहीं है बाहर में तो मैंने बस खिड़की खोल के ऐसे छोड़ दिया है, पता नहीं मौसम डायरेक्ट चेंज हो जाएगा मुझे लग रहा, गर्मी दिन आ रहा है तो ऐसा नहीं है, फरवरी मार्च तक तो ठंडी रहेगी, होली तक, होली के बाद गर्मी आना स्टार्ट होगा, तब हम लोग बहुत सारा वीडियो भी बनाएंगे। अभी थोड़ा सा अभी बहुत ज़्यादा वीडियो बनता है मगर उससे डबल वीडियो बनाएंगे हम लोग। तो चलिए पहले खा लेती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो गाइस मटर लेके आई थी संडे को, और संडे को मटर लेके आई थी, बिलीव नहीं करोगे अभी फ्राइडे हो गया और आज मैंने मटर छीला भी नहीं और बनाया भी नहीं, सिर्फ धूप के कारण से। और फ्रिज में रखा था तो ख़राब नहीं हुआ है, और ख़राब नहीं होने के कारण मुझे बुरा भी लग रहा है क्योंकि इतना दिन मटर नहीं रखना चाहिए, बना देना चाहिए था। तो मैं आज छील गई हूँ और शाम तक देखती हूँ कुछ बना पाऊँगी, पता नहीं मटर अब अच्छा नहीं लगता है। शुरू शुरू में इतना अच्छा लगता था ना मटर, जब मैं अपने मम्मी के उधर थी मायके में तो उधर मैं एक दो बार
दीदी के घर पे बना था तो मैं खाई थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। बट जब वो टाइम जो था ना वो शुरू का टाइम था, उस टाइम में अच्छा लग रहा था। बट अभी जो है ये पता नहीं कौन आ गया। मेरे तो जानने वाले नहीं है, मैं नहीं खोल सकती। एक बार और बजेगा तो देखती हूँ। वहाँ पे बेल पे लिखा भी है कि 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, तो पता नहीं डायरेक्ट कोई सबसे ऊपर का ही बजा देता है। मैं सबसे ऊपर रहती हूँ, थर्ड फ्लोर पे, तो नीचे का फर्स्ट सेकंड का बजाओ यार, ऊपर का बजा देते हो, क्या करते हो यार। मेरे कोई जानने वाले रहते नहीं है कि कोई मेरा आएगा। शाम को बस ये आते हैं तो बेल बजाते हो, और बेल बजाने के साथ साथ फोन भी करते हो तो मुझे पता चल जाता है। मटर छिलने में जो मज़ा है, तो गाइस देख सकते हैं मैंने पूरा मटर छिल के रख दिया है। और ओ माय गॉड, इतना सारा मटर का छिलका हो गया, मतलब एक प्लास्टिक से भी ज़्यादा। और इधर जो है, इधर बहुत सारे छिलके जिसमें मटर बिल्कुल ही नहीं निकला, और आधा तो मैंने इसी में फेंक दिया है। और गाइस ये मटर मुझे कुछ 40 रुपये किलो की पड़ी है। और जब हम अंकल से पूछे थे कि अंकल इसमें दाना निकलेगा, अंकल ने बोला पूरा दाना निकलेगा बेटा, पूरा दाना। और आप देख सकते हो कि इसमें दाना बिल्कुल भी नहीं है। और ये करीब मुझे 500 ग्राम से ज़्यादा लग रहा है। ये 650-700 ग्राम हो सकता है मेरे अंदाजा से, 700 ग्राम होगी, क्योंकि मैं बहुत करेक्ट करती हूँ सब्जी वगैरह लेने जाती हूँ, तो मुझे अब आ गया है कि कैसे करके लेना चाहिए और कितना में हो जाता है। और इतना ज़्यादा मटर का छिलका, ओ माय गॉड, मुझे तो लगता है ये ज़्यादातर तो छिलका है, इसका वेट ही ज़्यादा। और जो छिलके बिक्री होता होगा उसका अलग ही मतलब प्राइस होगा, ज़्यादा होगा, जैसे 40 है तो 80 हो सकता है। तो चलो पहले इसको साफ कर देते हैं और ये रख देती हूँ, इसको बाद में अच्छे से धुल लूँगी। तो एक एक दाना देख सकते हो आप, मेरा कैमरा का जो फोकस है एक एक मटर के दाने पे जा रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और छिलका का अगर देखना चाहते हो फोकस तो देख सकते हो छिलका का फोकस कितना गंदा है। छी छी छी, काफ़ी गल भी गए थे तो मैंने आज फाइनली छील दिया। और अभी से मैं कम ही मटर लेके आऊँगी, 1/2 kg लेके आऊँगी, ज़्यादा नहीं। देख सकते हो यहाँ पे मतलब एक प्लास्टिक पूरा कचरा निकला है। और इससे पहले मैंने वो किया था, क्या कहते हैं यार, भूल भी जाती हूँ, पालक मैंने काटी थी और साफ़ की थी, तो उसका भी बहुत ज़्यादा कचरा निकला है। और उसको भी धोने के लिए मैंने रख दिया है, हालांकि अभी धो ही नहीं हूँ मैं। इसे भी ले चलते हैं, और कल हमारा डबल कचरा निकलने वाला है। क्या कर रही हैं, चप्पल पहन रही, बिना चप्पल के जा रही हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे नीचे जाने में बहुत आलसी लगता है और कचरा मैं फेंक नहीं सकती। तो देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे अभी मैंने पालक का जो है उसका और मटर का भी इतना निकल गया, तो ये सब फेंकना है। पालक मैंने यहाँ पे काट के रख दी, इसको शाम को धुलूँगी जब ताज़ा पानी आएगा, फ्रेश पानी। मटर छिलने के बाद ना बहुत ज़्यादा हाथ में गंदा रह जाता है, जो कि काला काला। और यहाँ पे जिस पे मैंने मटर छिला था इसके ऊपर, तो मैंने उसको साफ किया है। और अगर हाथ धो लिया तो हाथ पर पोछती हूँ, ठंडा वो ठंड लगती है, दूसरा ठंडा होता है हाथ जब तक गर्म ना हो। तो आप देख सकते हो नाखून भी पूरा क्लीन हो गया, जो कि मैं पानी पी लेती हूँ, उसको लेते हैं। नहीं इसमें ना अगर डाइटिंग करती थी, अब तो नहीं करी हूँ, जब डाइटिंग करती हूँ तो बना करती थी कि मैं इतने देर में ये बोतल का पानी पी लूँगी पूरा। तो अभी मैंने इसमें अभी ऐसा कुछ खोल नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए मैं
मर्जी अनुसार पीती हूँ। और ये बोतल अलग ही से रखा रहता है और इसमें सिर्फ मैं ही पीती हूँ या तो वीरू ही पीते हैं, बाकी और हर कोई आता है ऑर्डर आता है। अगर कोई उसे पानी में अलग जगह से देती हूँ तो ये मत बोलना बाद में कमेंट करके कि ऐसे कौन पानी पीता है। तो ओ लाइट जल रहा है पूरा, सारा लाइट जल, और ये बैंगनी कलर का लाइट है ना वो भी ख़राब हो गया है। मतलब हुआ क्यों मैं बता देती हूँ, वहाँ में भी बैंगनी कलर का लाइट था और यहाँ पे भी, और ये ना ख़राब हो चुकी है। और मैं ना मकान मालिक के इनको कब से बोल रही हूँ कि आंटी लगा दो पर लगा नहीं रही हैं, और किराया लेने के लिए सबसे पहले आगे आ जाएंगी, 25 को है तो 25 को ही उनको किराया चाहिए, या तो एक दिन हो, एक दिन हमें तो वैसे बोला नहीं है पर जो अलग किराएदार रहते हैं उनको टोका है उन्होंने कि एक दिन भी लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो टाइम पे दे देते, तो उनको ये सब चीज़ ठीक करवाना चाहिए। बाथरूम में तो लाइट ही नहीं है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो नोटिस किया होगा बिना लाइट के हम लोग बाथरूम में जाते हैं, तो उनको ये सब चीज़ देखनी चाहिए। और देखो कितना अच्छा मौसम। तो गाइस ये छोटा सा व्लॉग वीडियो यहीं तक, आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, और हमारी वीडियो रोज़ देखना, और क्या हमें कभी लगती है वो भी जरूर बताना। तो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में नए सोच के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपना फैमिली का ख्याल रखें, और मिलेंगे हम एक और छोटी सी प्यारी सी वीडियो।